आज हम बनाएंगे कचरियू। कचरियू के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम तिल ली है और आधा ग्राम जितना मैंने गुड़ लिया है और 100 ग्राम जितना मैंने नारियल का बुरादा लिया है और यहाँ पर थोड़े से खसखस लिए हैं और ये पीपल मूल चूर्ण आता है वो लिया है, यानी कि कंठोला पाउडर, और ये तिल का तेल लिया है क्योंकि तेल कि हम जो बना रहे हैं कचरिया तो तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर मैं ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, थोड़ा सा गोंद लिया है, उसको मैंने तेल के अंदर डाल के क्रश करके रख लिया है और थोड़े से यहाँ पर खजूर भी लेकर रखे हैं। अब यहाँ पर मैं सारे तिल को अंदर डाल लिया है मिक्सी के अंदर और एक ही बार चला लेती हूँ इसको। हमें एक ही बार चलाना है और इस तरीके का बीच से थोड़ा सा टुकड़ा हो इस तरीके से ग्राइंड कर लेना, उसको बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, सिर्फ एक ही बार इसको पीसना है। तो इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा ड्राई कोल्स जैसे होता है वैसा ही रखना है। तो अब यहाँ पर मैं डालूँगी गुड़, जो हमें 100 ग्राम लिया है तो 90 ग्राम जितना हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं गुड़ डाल लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर डेट्स लिए हैं, उसके जो बीज आते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं खजूर, और यहाँ पर मैंने गोंद लिया है, उसको मैंने तेल के अंदर डाल के उसको क्रश करके रख लिया था, तो उसको भी मैं डाल लेती हूँ क्योंकि गोंद जब, और यहाँ पर थोड़े से बीज डाल लेते हैं। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का बुरादा और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर और थोड़ा सा गंठोला पाउडर जिसे बोलते हैं वो है, ये पिपरी के जो मूल आते हैं उसको ड्राई करके बनाया जाता है तो वही है ये। इसको आप कहीं भी किराने की शॉप पे जाकर बोलोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो, एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। तो इसको हमें सिर्फ दो बार ही इसे घुमाना है चालू करके। सिर्फ चालू बंद करके मैंने ये फर्स्ट टाइम दो बार इस तरीके से घुमा लिया है और ये सारी चीज़ों को हम फिर से चम्मच से जो चिपक गया है आइट साइड से उसको निकाल लेंगे और क्लीन कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम तेल डालेंगे, मैंने तिल का तेल लिया है जो आधा कप भर के हैं, आप देख सकते हो, इसे थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत सारा तेल नहीं डालना है, तो थोड़ा ही तेल डाले, दो चम्मच जितना मैंने तेल डाला है, और इसको मिक्सी में एक बार चला लेंगे। मिक्सी में इसका पेस्ट रेडी हो चुका है और हम सारे को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ा और मैं तेल डाल के फिर से इसको मैं एक बार क्रश कर लेती हूँ। अब हमारा जो बैटर है, जो ये टेक्सचर है वो रेडी हो चुका है, आप पास से देख सकते हो, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। और इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से पतीले में या जिसमें आप आटा गूंथते हो ऐसी कोई चीज़ में निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का बर्तन लिया है, इसके अंदर सारा जो मिक्सचर हमने रेडी किया उसको मैं डाल के जैसे हम आटे को गूंथते हैं वैसे ही इसको 2-3 मिनट के लिए सिर्फ हमें एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स करना है।
आप यहाँ पर मैं यहाँ पर गंठोला पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर फिर से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था मैंने टेस्ट किया तो। तो अगर आप जब बनाए तो आप, मैंने आधा चम्मच डाला था तो आप पहले ही एक एक चम्मच भर के डाल लें, जिससे इसका टेक्सचर और भी अच्छा हो जाए। तो हमें बस इन सारी चीज़ों को फिर से इस तरीके से हाथों से मल के मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा इस तरीके का बर्तन लिया है। इसके अंदर नीचे हम बादाम, काजू, पिस्ता या जो भी हमें रखना है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से काजू बादाम के टुकड़े इस तरीके से रख लेती हूँ और डेकोरेशन ऊपर से उसका कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है। अब हम सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल लेंगे। और इसको मैं इस तरीके से चम्मच से बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, थोड़ा थोड़ा दबाना है और उसकी जो सरफेस है वो हमें सॉफ्ट करनी है। तो इस तरीके से मैंने चम्मच से इसकी सरफेस सॉफ्ट कर ली थी और इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हो ये जैसे बाहर टेस्ट आता है सेम टू सेम वैसा ही वाला टेस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत के बिना ही बन जाता है। तो एक बार इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, ये बाहर जैसा ही सेम टू सेम बनता है।